But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah, never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Hi guys, good morning to all. Welcome to your own channel. Here is your friend Om Kumar. तो आज का जो वीडियो है आपको तो पता चल रहा होगा, हाँ मैं अभी एक मॉल्टिज्म के अंदर है, आपको दिख रहा होगा मैं अभी चारों तरफ का व्यू ले रहा हूँ। तो हमारा जो ट्रेनर है करीबन 7 साल का एबव एक्सपीरियंस है अनुपम सर, तो अभी जिम के जितने सारा भी इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर एक छोटा सा हम इंटरव्यू रखेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे अभी तो हम पूरा जिम में पूरा नया है, तो स्टार्टिंग अगर कोई फ्रेशर बंदा आता है जिम में तो उसको तो स्टार्टिंग में कार्डियक एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो कार्डियक एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे सब क्या क्या है? जैसे देखिए सर, अगर आप आउटसाइड में रनिंग नहीं करने जा रहे हैं, प्रॉपरली नहीं, मेरा टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग रनिंग मशीन यूज कर सकते हैं, ट्रेडमिल है यहाँ पे, विवा का भी है, पिकॉल का भी है और हेल्थ वन का भी है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फीचर्स रहता है, जैसे इसी में आता है, ठीक है, अभी बंदा कैसा है वो देखना पड़ता है, ज्यादा मोटा है या पतला है। पतला होगा तो उसके लिए बस वॉकिंग थोड़ा बहुत करके उसके बाद उसके लिए वेरियस वर्कआउट रहता है, और ज्यादा मोटा हो जाएगा तो उसको धीरे धीरे हम लोग वॉकिंग में डाल देंगे। वॉकिंग से धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट होने के बाद में जो हाँ वो ले पा रहा है उस हिसाब से हम लोग उसको रनिंग धीरे धीरे 6.5-7.5 धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। यही होता है क्योंकि हम लोग आउटसाइड रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही होगा इससे इंक्रीज बटन, इससे आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें डिक्रीज भी होगा, फिर इंक्लाइनेशन अगर आप हाई कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो आप हाई करेंगे, नहीं तो वो आपके ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या आपको डिक्रीज देगा। सर जैसे अभी ये हो गया ट्रेलिंग मशीन, तो ये जो सर नया वाला मशीन देख रहा मतलब दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हो गया आपका क्रॉस ट्रेनर, जिसमें क्या होता है वो ये भी वन टाइप ऑफ रनिंग ही है, लेकिन जिसका लोअर पोर्शन का फैट ज्यादा है उसके लिए बहुत अच्छा है, जल्दी से हिप कम कर सकते हैं, खासकर लेडीज लोग। इसमें भी प्रोग्रामिंग रहता है, इसको क्विक बटन है, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है, फिर इसका भी प्रोग्रामिंग आता है बहुत सारा, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, फैट बर्निंग है और मैनुअल सेटअप तो रहता ही है इसमें, हार्ट के लिए भी रहता है, अलग अलग डिफरेंट वर्कआउट रहता है, तो आप लेवल इंक्रीज कीजिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस डाल सकते हैं। ये हो गया आपका इंक्रीज हो रहा है लेवल, फिर इधर से आपको ये लूज भी होगा डिक्रीज। यस सर, यहाँ पे एक मशीन से पूरा नया दिख रहा है, जैसे मैं बहुत सारा मल्टी जिम गया हूँ लेकिन ये वाला चीज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये क्या है सर? ये हो गया आपका स्ट्रेचिंग मशीन। हम लोगों को क्या होता है वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ता है, या तो रनिंग के बाद में स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ता है, लेग्स हेवी हो जाता है, कब मसल्स टाइट हो जाता है, या तो आपका कंस्टिंग टाइट हो जाता है,
तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों को करने के लिए अगर आदमी नहीं मिल रहा है, कोई अगर करवा नहीं सकते, तो हम इसका सहारा ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिट है इसमें करने से। पहले तो ये आप ऐसे पकड़िए, इसमें फीचर्स भी डाला हुआ रहता है, सामने थोड़ा मैनुअल रहता है। इसको पहले पकड़ के आप बैक स्टिच करना है, इसमें आपका शोल्डर और लोअर बैक स्टिच हो जाएगा। उसके बाद आप हैमस्ट्रिंग का मान लीजिए करते हैं, तो इसको पूरा पैर ऊपर रखना होता है, फिर सिंपली बैक को फिर से अगेंस्ट इट, फिर अल्टरनेट लेग्स चेंज करके, फिर आपका दोनों लेग्स को फिट को पूरा बहुत एक साथ में रखें आप कीजिए। इसमें भी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से खिंचा होता है। ये वाला मशीन सबको तो पता ही होगा, मैक्सिमम पार्क में रहता है, जैसे उसका बोलते हैं ट्विस्टर, और इसमें आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट वाला। सर ये जो मशीन से इसके ऊपर थोड़ा बताइए। ये हो गया हमारा मल्टी सेशन, इसमें आप वेरियस वर्कआउट कर सकते हैं, एक नहीं कई किस्म का वर्कआउट हो सकता है। फर्स्ट आपको मैं चेस्ट सी दिखाता हूँ, चेस्ट का भी इसमें वेरिएशन निकाला। ये हो गया आपका मिडिल चेस्ट के लिए, इसको पुल करना है, जस्ट प्रेस विद इन आउट होल्ड, स्लो मोशन में करना है। ये हो गया मिडिल चेस्ट, ऐसे ही इसका सेटअप रहता है, जैसे फिर इसको आप हाइड करते हैं, अपर चेस्ट कर, ये अपर चेस्ट के लिए, ये अपर चेस्ट कर, इसका हर एक लेवल में इसका सेटअप होता है, सीट भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आप इसको पकड़िए, पुश कीजिए, तो आगे पुल कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा वाइड रखना पड़ता है बैक के लिए। बस लेग प्रेस, इसमें बैठना है, पैर का एंगल ठीक होना चाहिए, पूरा इसको प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा कब रहेगा, फिर धीरे धीरे आना है। सर पूरा प्रेस करने से क्या होगा, जैसे पूरा कोई प्रेस करता है तो? ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, इधर घुटना खराब होने का चांसेस रहता है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा कब रहता है। जब आप हेवी वेट करें कम वेट में तो पता नहीं लगेगा आपको प्रेस। ये तो लैब के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है शायद, हैमस्ट्रिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ले कर लें, सर ये जो मशीन है इसके ऊपर थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली मल्टीपर्पज यूज होता है, इसको हम लोग डुअल एडजस्टेबल पुली या तो केबल क्रॉसओवर भी बोलते हैं। इसमें दुनिया भर का वेरिएशन दिया हुआ रहता है, कैसे यूज करना होता है, मैनुअल तो सेट किया हुआ है, फिर भी हम बेसिक कुछ वर्कआउट दिखाते हैं। पहला जाते हैं पुलअप्स, वो आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कितना एरिया मेकअप कर सकते हैं।
ये हो गया ट्राइसेप पुश अप, डबल रोप कर सकते हैं, सर ये मिसिंग, ये हो गया हमारा इनर थाई और आउटर थाई के लिए, खासकर जो ज्यादा मोटापा है जिनका वो कम वेट में इसमें अगर करेंगे तो लेग्स का इनर थाई आउटर थाई का फैट भी जाएगा, लेग्स भी स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेच भी होगा। हो गया लेग एक्सटेंशन जो मैं वहां पे भी कर रहा था, वही और थोड़ा कंफर्टेबल जोन में हम कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा वेट लिफ्टिंग सेक्शन, यहाँ पे हम लोग जो ज्यादातर पावर लिफ्टिंग के लिए करते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, यही जगह पे होता है हम लोगों का वेट। थोड़ा हैवी डंबल जो लिफ्ट करने के लिए दिक्कत होता है, बोल के नीचे भी रखा हुआ है कुछ ऐसा। ये जो 45 ये केजी का एक है, तो ये क्या फॉरेनर आते हैं क्या करने के लिए? जितना बड़ा बॉडी होगा उस हिसाब से लिफ्टिंग होगा। अच्छा,